व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल, आप स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी दिल्ली हूँ और दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे हूँ और फिलहाल यहाँ से जा रहा हूँ अभी मैं चांदनी चौक मार्केट, थोड़ी एक्सेसरी लेनी GoPro की, GoPro हमने ले ली है और फिलहाल हम जा रहे हैं अभी चांदनी चौक मार्केट, वहाँ पे जाके मिलता हूँ आपको सीधा बाहर। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, कुछ सोच के क्लिक किया हुआ है ना, तो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें आपको इस फोटो मार्केट DSLR मार्केट बारे में आपको पता चलेगा, आपको थोड़ा मतलब नॉलेज होगी इस चीज़ की, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा लास्ट। यहीं से मैं सुबह गया था और यहीं पे फिर से वापस आ गया, अभी यहाँ से गूगल मैप मारना पड़ेगा उसके बाद पता चलेगा चांदनी चौक मार्केट मेन मार्केट ही हो, फोटो DSLR कैमरा वगैरह एक्सेसरी जहाँ पे मिलती है वो कहाँ पे है। और मैं सच बताऊं तो मैंने YouTube पे ही देखा था, मतलब रास्ता वगैरह जो भी है मेरे को नहीं मालूम था। स्टेट बैंक आगे आप देख सकते हो, इसके आगे सामने आप देख सकते हो DSLR मार्केट और फोटो मार्केट जो मेन गली है वो मिल चुकी है हमें, उधर अंदर चलते हैं उसके बाद दिखाता हूँ। लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिस स्कैम से आपने बचना है इस मार्केट से। सिर्फ यूट्यूब पे देखा था इसको बट आज रियल में देख रहा हूँ। ये सारे चेहरे मैंने YouTube पे देखे थे, आज रियल में देख रहा हूँ, बहुत सही भी लग रहा है बट 64 कितने का? 64,000 रुपये। वैसे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, ट्राईपोर्ड हर एक चीज़ आपको एक्सेसरी मिल जाएगी, बट मेरे को GoPro के गिलास वगैरह डिलाने थे, मैं भाई के पास आया हूँ गिलास वगैरह, इन्होंने अच्छा रेट लगाया गिलास वगैरह का बट बहुत हाई रेट दे रहे थे। बाकी कैमरा कितने कितने का है? सोनी का अल्फा 7 है ना, ये सेकंड मार्क 2 ना, कितने का? 360 है। 60 एक डेढ़ साल सोनी अल्फा 7 मार्क 2। तो वो कह रहा निकॉन वगैरह के कितने कितने हैं? 75 और फाइनली मैंने GoPro का गिलास वगैरह डिला लिया है और मैं लास्ट में आपको हर एक चीज़ का रेट बता दूंगा मैंने जो जो यहाँ से खरीदा है। और मार्केट से बाहर आ चुका हूँ और फिलहाल मैं जा रहा हूँ लाल किले की तरफ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ लाल किले की तरफ, मैंने फर्स्ट टाइम मैं रियल में देख रहा हूँ लाल किला, वैसे तो वीडियो वगैरह में देखा ही रखा बट मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ दिल्ली। आप लोगों को पता ही, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा ना जब जम्मू से मैं दिल्ली आया था GoPro के लिए लेने के लिए, अगर वो नहीं देखा आप जाके वो भी देख सकते हो। और फिलहाल तो चलते हैं लाल किले की तरफ और चोर वगैरह यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है, पुलिस वाले आ रहे थे सब अपनी लॉटरी वगैरह लेके उठा भागे जा रहे हैं यहाँ से। फिलहाल मैं आ चुका हूँ लाल किले की तरफ और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इसको रियल में, बहुत ही ख़तरनाक था, मज़ा आ गया। मतलब अंदर जाने को तो मेरे को मिला नहीं, मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कहाँ से मतलब अंदर जाना है, क्या टिकट है इसका, क्या सिस्टम है, बट फिलहाल लाल किला देख के उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा है और कितने में मेरे को पड़ा है और कैसे कैसे आपने वहाँ से चीज़ लेनी है और आपको स्कैम से बचना है वहाँ से क्योंकि बहुत सारा स्कैम होता है वहाँ पे। मैंने ये लिया था माइक्रो कार्ड अपने GoPro के लिए एक्सट्रीम में क्योंकि ये 4K वगैरह बनानी पड़ती है, आपको लोगों को पता ही है। मेरे को पड़ा था ये 700 का और ये जुलाजी का ट्राईपोड लिया था, ये पड़ा था मेरे को 800 का। और फिलहाल मैंने लगभग सारी दुकानों पे जाके फिर जाके मैंने डिसाइड किया था मेरे को कौन सी दुकान से लेनी है एक्सेसरी, फिर जाके मेरे को ये सस्ती पड़ी है। ये जुलाजी का लिया था मैंने लगभग 1,000-2,000 रुपये 1,200 हर एक दुकान पर, बट मेरे को एक दुकान मिली थी जहाँ पर मेरे को भैया ने 800 रुपये बोला था और मेमोरी कार्ड का 1,000-2,000-1,500। और मैंने एक GoPro की बैटरी ली थी, बैटरी ये लगभग मेरे को पड़ी है 1,800 की, लोग बोल रहे थे 2,000, मैंने बहुत सारी दुकानों पे पड़ा 2,000-2,200, बट मैंने डिसाइड किया मेरे को कौन सी दुकान पे लिया ना, मैंने हर एक दुकान पे रेट जाके पूछा उसके बाद ही मैंने एक्सेसरी बाई की है। और फिलहाल मेरे को थोड़े थोड़े पैसे मतलब हर एक चीज़ से 200-200 रुपये मेरे को बच चुके हैं, अगर मैं फिलहाल एक ही दुकान से ले लेता ना तो भाई मेरे पैसे कोई नहीं बचता, मेरे को कोई पैसा नहीं बचता, ठीक है ना। ये चीज़ आपने देखनी है हर एक दुकान पर आपको जाके पता करना। ये कवर मेरे को लगभग 300 रुपये में पड़ा है, 300। आपने जो जो भी एक्सेसरी देखी ना, मतलब मैंने हर एक दुकान पे जाके ना रेट पूछा, फिर मैंने डिसाइड किया मेरे को कौन सी एक्सेसरी कौन सी दुकान से लेनी है। मतलब हर एक दुकान पे आपको अलग अलग रेट मिलेगा, वही चीज़ से आपको बचना है, ठीक है ना। अगर आप फंस जाओगे ना 1,000-2,000 में तो वही चीज़ आपको 700-800 में कोई और दिखा देगा। फिलहाल इसी स्कैम से आपको बचना है वहाँ से क्योंकि उनका मतलब
सबका मतलब एक दूसरे से वो कॉन्टैक्ट होता है, वो सिस्टम अपना हिसाब से चलाते हैं वो मार्केट का। मैंने वहाँ पे देखा, मैं फर्स्ट टाइम ही गया था उस मार्केट में, बट मेरे को हर एक चीज़ का पता चल गया। मैंने 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ मैंने हर एक सामान से बचाए हैं, ठीक है ना। अब अगर आप भी बचाना चाहते तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। हर एक दुकान पे रेट पूछ के उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सी चीज़ मुझे कौन सी दुकान से लेनी है। मैंने वो कवर लिया था, उसका कवर मैंने पहले प्राइस किया, पता किया, पहली दुकान पे 700 रुपये, दूसरी पे 800 रुपये, तीसरी पे 600 रुपये, फिर जाके मेरे को एक दुकान मिली 300 रुपये। यार वही चीज़ मेरे को 300 रुपये में मिली तो मैं 800 हज़ार में क्यों लूँगा, ठीक है ना, मैं क्यों लूँगा उसको। तो वो मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा सामान लिया वहाँ से, उसके बाद मैं घर वापस आ गया। फिलहाल अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जम्मू से जब मैं गया था दिल्ली में, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम मैं था मेरे दिल्ली में, तो अगर वो भी देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा बहुत जल्दी, और लाइक करना तो बनता है और कमेंट करना एक प्यारा सा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी।